आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ सी लुक एंड वॉच। और सी लुक एंड वॉच ये तीनों वर्ब हैं और इन तीनों का अर्थ देखना होता है। फिर भी हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कब हमें लुक का यूज़ करना है, कब हमें सी का यूज़ करना और कब हमें वॉच का यूज़ करना है। तो इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें। वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। तो किस तरीके से हम सी लुक और वॉच का यूज़ करते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ सी सीखेंगे कि सी का यूज़ हम कब करते हैं। तो सी का यूज़ नोटिस समथिंग विदाउट थिंकिंग। जब कोई चीज़ हमें अचानक दिखाई देती है जिसके बारे में हमने पहले से नहीं सोचा होता है और वो अचानक हमें दिखती है, तो वहाँ पे हमेशा हमें सी का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ अ ब्लू कार एट द गेट। मैंने दरवाजे पर एक नीली कार देखी। तो ये जो नीली कार देखी ये पहले से मतलब सोचा हुआ नहीं था। इसी तरीके से आई सॉ राम प्लेइंग देयर। मैंने राम को वहाँ खेलते हुए देखा। इसी तरीके से एज आई ओपेंड द डोर आई सॉ राम स्टैंडिंग देयर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला राम वहाँ खड़ा हुआ था। तो ये पहले से सोचा हुआ नहीं था कि राम दरवाजे पे खड़ा है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही राम खड़ा था। तो हमें याद रखना है कि जब हम किसी चीज़ को अचानक देखते हैं जिसको पहले से कोई मतलब इंटेंट नहीं होता है या उसके बारे में कोई थिंकिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे हमेशा सी का यूज़ करते हैं। अब हम सीखेंगे यूज़ ऑफ लुक। लुक का यूज टू सी समथिंग विद अटेंशन। लुक का यूज जानबूझकर अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं या मतलब टकटकी लगा कर उस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे लुक का यूज़ करते हैं। और लुक के साथ एट का भी यूज़ होता है। किस तरीके से गौर करते हैं एग्जाम्पल्स पे। लुक ही इज़ कमिंग। देखो वो आ रहा है। तो इसका मतलब वो आ रहा है तो वो जानबूझ के मतलब उसको हम देखेंगे। इसी तरीके से लुक एट देयर वहाँ देखो। ये भी आई लव दिस पेंटिंग आई कैन लुक डैट इट ऑल डे। मैं इस पेंटिंग को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसे दिन भर देख सकता हूँ। तो जब हम किसी चीज़ को विद अटेंशन देखते हैं तो वहाँ पे हमेशा लुक का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अब हम वॉच का यूज़ सीखेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्शन और मूविंग के साथ देखते हैं या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं तो वहाँ पे वॉच का यूज़ करते हैं। जैसे दे आर वॉचिंग टीवी। वे टीवी देख रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। या कैन यू वॉच माई बैग। क्या तुम मेरे बैग को देख सकते हो, इसका मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए, आप मेरे बैग को देख सकते हैं। तो जब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ इन मोशन में होती है तो वहाँ पे वॉच का यूज़ करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सी लुक और वॉच के बीच में जो डिफरेंस है उसको सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।